धनवानपुर नाम का एक गांव था। गांव के सागर किनारे भारावी नाम का एक बस्ती था। उस बस्ती में सारे झोपड़ियां ही थी। उस बस्ती में सारे मछुआरे थे। वो उस सागर में मच्छियां पकड़ते थे और उन मच्छियों को पास वाले शिपयार्ड पहुंचाते थे। उस शिपयार्ड का इंचार्ज दिनेश उन मछलियों को कंटेनर्स में भर के जहाजों में डाल देता था। हर साल बारिश के मौसम में सागर में बाढ़ आने के कारण भारावी डूब जाता था। वो मछुआरे बहुत दिनों तक पेड़ के नीचे रहा करते थे। पानी के निकल जाने के बाद फिर से नए झोपड़ियां बना लेते थे। ऐसे हर साल होता था, लेकिन फिर भी धनवानपुर वाले भारावी वालों को उनके गांव में झोपड़ियां बनाने नहीं देते थे। एक बार भीकू नाम का एक मछुआरा अपनी बीवी और तीन बच्चों के साथ धनवानपुर के प्रेसिडेंट दयाकर के घर जाता है। साहब, मेरे बच्चे ठंड सह नहीं पा रहे हैं। साहब, मेरी बीवी को बहुत तेज बुखार है। दो चार दिन के लिए हमें इसी गांव के किसी के घर पे आश्रय दे दीजिए, आपका बहुत भला होगा। क्या बे, क्या बात कर रहे हो तुम? हमारे गांव के नियमों को समझ के भी ऐसी बात कर रहे हो? तुम्हारी बस्ती इस गांव का हिस्सा है, लेकिन तुम लोग नहीं हो। तुम्हें अपने झोपड़ियों में रहना पड़ेगा और हमें अपने घरों में, समझे? यही हमारी परंपरा है। हमारे घरों में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। तुम लोगों को यहाँ झोपड़ियाँ डालने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। चलो चलो, निकलो यहाँ से। भीकू उदास होकर बीवी बच्चों के साथ वहाँ से निकल जाता है। एक दिन शिपयार्ड में दिनेश भीकू से, क्यों भाई, इतने परेशान क्यों हो तुम? क्या करूं सर, पिछले बारिश के मौसम में मेरी बीवी गुजर गई। आखिरी पलों में उसके ऊपर छत भी नहीं था। कहते हुए दिनेश को पूरी कहानी समझाता है। दिनेश दुखी होते हुए, लगता है हमारे देश में तकनीकी और आधुनिक तौर पर प्रगति होने के बावजूद ऐसे दुराचार और नियम नहीं गए हैं। इस समस्या को मैं सुलझाऊंगा, तुम लोग निश्चिंत रहो। थोड़े दिनों में शिपयार्ड के कंटेनर को घरों की तरफ बदलता है। उनको दरवाजे और किटकियां भी लगवाता है। उन कंटेनरों को पहिए भी लगवाता है। भारावी की झोपड़ियों की जगह इन कंटेनरों को वहां पहुंचाता है। मछुआरे उन घरों को देखकर बहुत खुश हुए। दिनेश मछुआरों से, ये पक्के घरों की तरह काम आएंगे, धूप में नहीं सूखेंगे और हवा में नहीं उड़ेंगे। बारिश के मौसम में जब यहाँ पानी भर जाता है, तब आप इसको आसानी से गांव में जाके रख सकते हो। बाद में जब पानी निकल जाएगा, तब फिर से यहीं वापस आ जाना। इसीलिए इनको पहिए भी लगवाए हैं। एक बात याद रखिए, आप लोग धनवानपुर के निवासी हैं। उस पे उनका जितना हक है, उतना आपका भी है। इस बात को हमें दबंग होकर समझाना पड़ेगा। अगली बार बारिश के मौसम में मैं जैसा करता हूँ वैसे करो, ऐसे उन्हें समझाता है। बारिश का मौसम आया। भीकू उस कंटेनर घर को दयाकर के घर के सामने रखता है। दयाकर बाहर जाना चाह रहा था, लेकिन उस कंटेनर घर के कारण वो बाहर नहीं निकल सका। कौन है बे, जिसने मेरे घर के सामने कंटेनर लगाया? ऐसे में भीकू आकर, ये कंटेनर नहीं है साहब, ये हमारा घर है। इस गांव में हमें इसको कहीं पे भी रखने का हक है। ये रोड क्या तुम्हारे बाप का है क्या? इसीलिए तुम अपने घर पे रहो और मैं अपने घर पे रहूंगा, ठीक है? दयाकर चौंक जाता है। एक और मछुआरा अपने कंटेनर को सिनेमा हॉल के बिल्कुल सामने रखता है। इस वजह से गांव वाले थिएटर जाकर सिनेमा नहीं देख पाते हैं। वैसे उन कंटेनर घरों को जहां जी में आए वहां रखने पर धनवानपुर के लोगों को बहुत मुश्किल हो रही थी। एक दिन दयाकर मछुआरों को बुलाकर, हमारी गलती हमें समझ में आ गई है। तुम सभी को इस गांव में घर बनाने के लिए जमीन दे देंगे। तुम लोग अपना घर वही रख लो। दया करके इन्हें हमारे घर के सामने से और रोड पे से हटा दो, प्लीज, कहकर विनती करता है। तब सभी मछुआरे, ये हम जीत गए, कहकर चिल्लाते हैं। इसे देखकर दिनेश को बहुत खुशी होती है। कुछ साल पहले जगन मगन मुरुगन नाम के तीन चोर हुआ करते थे। वो बचपन से साथ मिलके चोरियां करते थे। वो घरों में घुस के पैसे सामान चुराना, लॉरियों में चावल की बोरियां चुराना वगैरह करते थे। एक दिन मुरुगन उनसे, बचपन से हम चोरियां करते ही रहे, लेकिन जिंदगी में अब तक हम सेटल नहीं हो पाए। हम तीनों को
अभी शादी की उम्र भी हो चुकी है, अब ऐसी छोटी छोटी चोरियां करते रहेंगे तो हमें जिंदगी भर कुंवारा ही रहना होगा। इसलिए एक साथ कोई बड़ा हाथ मार के उन पैसों से राजनीति में जाकर सेटल हो जाएंगे। क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग ऐसा वैसा नहीं है, तुरंत वो काम करते हैं। वैसे आजकल मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। वो तीनों वैसे कहाँ पे चोरी करना है सोच में पड़े थे। एक दिन मगन भागते हुए उनके पास आया। ओए जगन मुर्गन, हमें जो चाहिए वो मिल गया रे। कहते हैं पड़ोस के गांव में जमींदार के घर में उनके पूर्वज के छुपाए खजाना वगैरह है, उसकी कीमत 1000 करोड़ के ऊपर होंगे। लेकिन लेकिन क्या है रे, प्रॉब्लम क्या है? उस घर की रखवाली के लिए 30 पुलिस हैं और 30 पुलिस के कुत्ते भी हैं। उतना ही नहीं, घर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी डाले। मैं जाके देख कर आया, हम उस घर में जाना असंभव है। हिम्मत धरे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है रे। मैं एक जादू टोना करने वाले को जानता हूँ, वो अब रिटायर होके तमिलनाडु के जंगल में आराम कर रहे हैं। हम जाके उनसे मिलेंगे। अरे चोरी के लिए जादू टोना करने वाले के पास जाके क्या होगा? वही तो तुम में और मुझ में फर्क। उस जमींदार के घर में हम ये साइज में तो नहीं जा सकते ना। अगर हम चूहे के साइज में निकल गए तो आराम से घुस सकते हैं। चलो उस महानुभाव से मिलके हम तुरंत छोटे बन जाएंगे। वो दोनों खुशी से झूम उठे। वैसे वो तीनों जंगल में उस जादू टोना करने वाले के पास जाकर उनको जो चाहिए बताए। वो जादूगर उन्हें जादू टोना किया हुआ विभूति देके, ये तुम मुंह में डालते ही छोटे बन जाओगे, जाओ। वो उसे नमस्कार करके चले गए। गांव में आए तीनों चाबी तैयार करवाए। ये यूनिवर्सल चाबी है रे, इससे हम कोई भी अलमारी खोल सकते हैं। अब सब कुछ तैयार हो गया है, अब तुरंत जाके उस विभूति को मुंह में डालते हैं, चलो। तब वो तीनों मुंह में विभूति डाले, बस बात खत्म। वो सब लिलीपुट में बदल गए। उस चाबी को देखकर मगन, अरे ये चाबी क्या है रे, इतना बड़ा हो गया। उसके सर पे एक मार के, चाबी बड़ा नहीं हुआ रे कंबक, हम छोटे बन गए, भूल गया क्या? वो तीनों उस चाबी को उठाकर जमींदार के घर के कंपाउंड में एंटर हुए। वो तीनों पुलिस के कदमों से बचकर अंदर जाने लगे। वो वैसे अंदर गए, वहां पे एक बड़ा अलमारी था। वो उस चाबी को उस अलमारी के छेद में डाले, जबरन उसे घुमा लिए। वो अलमारी खुली, उसमें सोने की जेवरात और हीरे मोतिया देखकर खुश हुए। वैसे तीनों उन खजानों को सर पे रख के बाहर आए, कुत्तों के पैरों के बीच में से वो निकल गए। वैसे वो तीनों एक हफ्ता मेहनत करके उन खजानों को उनके गुफे तक पहुंचाए। आखिर हमने हासिल किया है, लेकिन हम अपने असली रूप में आने के लिए वो जादूगर हमें कोई विभूति क्यों नहीं दिया? चल जाके पूछते हैं। क्या पूछेंगे भाई, मुझे अब भी याद आया, वो जादूगर को किसी भी चीज को तोड़ना ही आता है पर जोड़ना नहीं आता है। इसलिए उन्हें जादूगर के संगठन के सदस्य सभी उन्हें बहिष्कार करके जंगल में भेज दिए। अब हम मेहनत करके वहाँ पे गए भी तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो जगन मुर्गन चौंक गए। क्या रे, मौत की खबर आराम से सुनाएगा? हम अब इस खजाने का क्या करेंगे रे? अब हम जिस साइज में है इस खजाने को कैसे बेचेंगे? लिलीपुट की दुल्हन कहाँ से ढूंढेंगे रे? कहकर रोने लगा। उतने में एक पुलिस डॉग उस गुफे में आया, उन्हें देखकर कहकर चिल्लाने लगा। तीनों वहां से भाग गए। एक महामारी बीमारी से सारा देश को मुक्ति मिली। सब लोग खुशी से बिना कोई डर से घूम रहे थे, पहले जैसे ही शॉपिंग कर रहे थे और होटल को भी जा रहे थे। मगर अशोक नामक एक आदमी को ये बीमारी का डर नहीं गया। वो हर वक्त उसके साथ एक छोटा सा गैस सिलेंडर स्टोव लेके फिरता रहता था। एक दिन एक आदमी अशोक से, अरे भाई तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ, सुबह शाम ये सिलेंडर लेकर घूम रहे हो, क्या बात है?
मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा ये निश्चय किया। मेरे ख्याल से वो बीमारी कहीं ना कहीं छुपा होगा, समय देखकर हमारे ऊपर हमला करेगा। वो शायद पूरी में छुपा होगा, नहीं तो चाय में चक्कर लगा रहा होगा, इसलिए मैं सिलेंडर लेकर घूम रहा हूँ। जहाँ भूख लगेगी वहाँ पका कर खाऊंगा, लेकिन बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। वो बीमारी चली गई कहकर दुनिया के सभी साइंटिस्ट कह रहे हैं। हे भगवान, और थोड़ी देर तुमसे बात किया तो वो बीमारी का डर मुझे भी आ जाएगा, कहकर चला गया। अशोक एक दिन उसके बीवी बच्चों से सिनेमा देखने गया। उसका बच्चा इंटरवल में पॉपकॉर्न पूछने से अशोक अपना स्टोर ऑन किया, उस पर पाई रख के पॉपकॉर्न करना शुरू किया। वो जल के पूरा धुआं निकलने लगे। वहां के सब लोग खांसी से बाहर दौड़ने लगे। तब सिनेमा थिएटर वाले वहां आके अशोक को खूब पीटा। दूसरे दिन अशोक बीवी बच्चे सताने से उनको होटल ले गया। क्या ऑर्डर दूं सर जी? हाँ लिख लेना, आधा किलो आटा, 100 ग्राम तेल, 1/2 किलो आलू, 1 मुर्गी और 1 चाकू ले आना। ये होटल है सर जी, कोई सुपरमार्केट नहीं। हाँ हाँ मालूम है, मैंने तेरे ऑनर से बात कर ली है, तू जाके वो सब लेके आना। सर्वर वो सब चीज लाके वहाँ रखा। अशोक अपने चूल्हे के ऊपर रख के खाना बनाना शुरू किया। अशोक की पत्नी उनके बच्चे से, ये लो तुम्हारे पापा जिंदगी में नहीं सुधरने वाले, चलो, कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे क्यों जा रहे हो, जैसे तुम लोग पूछे वैसे ही होटल ले आया हूँ ना, कहकर चीखा। इतने में सर्वर बिल लाकर देते हुए, साहब आप इतने सावधानी से रह रहे हो ना, अगर आपके गैस सिलेंडर में ही बीमारी लगी तो क्या करोगे? हाँ हाँ इसीलिए तो हर एक घंटे में सैनिटाइजर से धो रहा हूँ। अगर वो सिलेंडर के अंदर छिपा हो तो? अशोक को शक शुरू हुआ। उस दिन रात को अशोक को नींद नहीं आ रही थी, वो सो नहीं पा रहा था। तुरंत जाके उस सिलेंडर के ऊपर वाला स्टोव को निकालकर सिलेंडर के अंदर सैनिटाइजर डाला। डालते ही सिलेंडर में से आग आने लगी। अशोक का मुंह काला जल गया। तुरंत उसको अस्पताल लेके गए। वहाँ डॉक्टर, बीमारी कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग में है, किसी भी बात में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, पर डर नहीं, ज्यादा सावधानी कभी हमारे लिए खतरा ही बन सकता है, और तो और वो बीमारी चली गई है, इसलिए तुम इस हानिकारक सिलेंडर लेकर घूम रहे हो, अब से सावधान रहो, नहीं तो कल तुम्हें दूसरी तरह की बीमारी आ सकती है, धैर्य ही हमारे लिए रक्षा है। मुझे अक्कल आया है डॉक्टर, अब से मैं किसी से नहीं डरूंगा और शक भी नहीं खाऊंगा। वैसे डॉक्टर जी, वो दूसरी बीमारी आ सकती है कह रहे हैं ना, वो नहीं आने के लिए क्या करना होगा? ये सुनकर डॉक्टर बेहोश होकर गिर गया।